तालिबान के खौफ च अफगानिस्तान के लोग देश छड़ते जा रहे हैं। 3 लाख तो वध अफगान लोग ईरान फरार हो चुके हैं। इस कारण ईरान के विच स्थिति गंभीर हो रही है। अफगानिस्तान ते कब्जा कर तालिबान लोगों ते हुकम चला रहे हैं। 3 लाख तो वध लोग अफगानिस्तान तो फरार हो ईरान पहुँच चुके हैं। तालिबान के खौफ का अंदाजा इस गल तो लाया जा सकता है कि इस कारण यूरोप च शरणार्थी संकट का मुद्दा गरमा गया है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के प्रधान ने इस हफ्ते अफगानिस्तान की सरहद के नाल लगते साबका ईरान के करमन सूबे के नेड़े शरणार्थियों के नाल मुलाकात की सी। उन्हें अपील की कि जेकर अफगानिस्तान तो शरण की भाल के लोग फरार होकर ईरान आते रहे तो यूरोप के स्थिति गंभीर हो सकती है। इधर अफगान लोग अफगानिस्तान तो फरार हो रहे हैं तो उधर तालिबान पाकिस्तान के दौरे पर है। पाकिस्तान भी तालिबान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हामिद काबुल पहुँचे सन। तालिबानी लीडर के नाल मुलाकात की। मीटिंग तो बाद पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान को 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को इस गल के लिए तैयार करन कि वह तालिबान को उनके देश से हमले करन तो रोक सके। हालांकि पाकिस्तान की कार्रवाई इमरान खान ते जनरल कमर जावेद बाजवा के दरार का कारण बन रही है, क्योंकि इस तो पहला भी ISI चीफ अफगानिस्तान गए सन जिससे विवाद होया सी। काबुल ते 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे तो बाद व्यापक पद्धर से लोगों को हवाई मार्ग के नाल बाहर कढ़न का अभियान शुरू होया सी। हवाई मार्ग के नाल 1,20,000 अमरीकी अफगान अते होर लोग अफगानिस्तान तो बाहर कढ़े गए। कैनेडा भी 40,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देवेगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसका ऐलान किया। सितंबर च कैनेडियन इमीग्रेशन मंत्री मार्को मेडिसिनो ने कहा कि देश 20,000 तो वध अफगाना खास करके तालिबान के वलों निशाना बनाए जा रहे कमज़ोर समूहों जिन्हां च औरतां अधिकार कर्मचारी और घट गिणती लोग शामिल ने उन्हां दा मुड़ वसेबा करेगा। ABP Sancha, Josh Jazba, Junoon.